सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 63 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री। तमे वाणी विचारी न चाल्या रे वैष्णवो, तमे वाणी विचारी नव चाल्या, अक्षर एकनो अर्थ न लाध्यो, मदमस्त थईने हाल्या। हे वैष्णव जन, तुम वल्लभाचार्य जी की वाणी श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका के गूढ़ रहस्य को समझकर उन पर आचरण नहीं करते। उनके शब्दों के एक भी अक्षर का अर्थ तुम नहीं समझ पाए, इसीलिए झूठी माया में मस्त होकर चल रहे हो। सतवाणी वैष्णव ने समझाऊं, जेसो मूल डाल प्रकाशी, श्रीमुख आचार्य जे ओचरिया, तेणे जाए भ्रमतणा भ्रमणा नासी। वैष्णव जन को मैं श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका सही ढंग से समझाता हूँ, जिससे मूल स्वरूप की लीला, सृष्टि की उत्पत्ति एवं विस्तार का तथा धर्म के मूल और उनकी शाखाओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। वल्लभाचार्य जी ने अपने श्रीमुख से जो कहा है उसी को समझने पर तुम्हारी शंकाओं का निवारण हो सकेगा। वैष्णव वाणी जो जो विचारी, ए भोम देखी पामो त्रास, चौदे भवन थी ए वाणी न्यारी, एमा पेर पेर ना प्रकाश। हे वैष्णव जन, इस उत्तम वाणी पर विचार करो तथा संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय से डरो, क्योंकि वल्लभाचार्य जी की यह वाणी 14 लोक से परे की है। इसमें अनेक प्रकार का प्रकाश भरा हुआ है। प्रथम मोह तत्वनी उत्पन्न, ते मोह थी तत्व पांचे, ए पांच तत्व थकी 14 लोक प्रगटिया, एमा वैष्णव होए ते नवराचे। सर्वप्रथम मोह तत्व उत्पन्न हुआ, उससे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच तत्व बने। इन पांच तत्वों के द्वारा 14 लोकों की रचना हुई। ऐसे नश्वर संसार में सच्चा वैष्णव नहीं फंसता। एमा प्रेमे पार ब्रह्म पामिए, ए वाणी बोले रे एम, अनेक कसोटी जो आवे आड़ी, तो ए निध मुखिए केम। इस वाणी में स्पष्ट बताया है कि संसार में ही रहकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा अक्षर ब्रह्म से भी परे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक प्रकार की विपत्तियां आने पर भी इस सत्यवाणी को कैसे छोड़ा जाए। वैष्णवो सतवस्त एक दिखाड़ियू, बीजो कहो सर्वनाश, महाप्रलय मा तत्व लेवासे, आही मूज थकी अजवास। हे वैष्णवजन, वल्लभाचार्य जी ने तो एक ही सत्य वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा को दिखाया है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं नाशवान हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सभी झूठी वस्तुओं का महाप्रलय में नाश होता है। इसीलिए इस सत्य का स्पष्ट ज्ञान यहाँ मेरे पास आकर प्राप्त करो। वैष्णवो मोह थकी निधन्यारी दीदी, आपने अविनाश, नाम तत्व कहियूं श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। हे वैष्णवो, वल्लभाचार्य जी ने हमें इस मोह सागर से परे का
अखंड अविनाशी धन दिया और कहा कि श्री कृष्ण नाम ही परम तत्व है, जो श्री कृष्ण जी अखंड रास की लीला करते हैं। एहने शरणे सोप्या वैष्णव ने जिहा विध विधना विलास, हवे नेह चल रंग कीजे ते पुरुष सु तई प्रेम नो पास। श्री वल्लभाचार्य जी ने तो ऐसे श्री कृष्ण जी के चरण शरण में वैष्णव को सौंपा है, जहाँ विविध प्रकार के अखंड लीला विहार होते हैं। इसीलिए अब उन श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम पूर्वक नित्य विलास करो। पुरुषपणे ए दृष्टे न आवे ए अवला पड़े लीजे अंग, पुरुष नथी ए विना कोई बीजो जे रमे नेह चल लीला रंग। पुरुष भाव से भक्ति करने पर उनके दर्शन न हो सकेंगे, परंतु सखी भाव से भक्ति करने पर उनके दर्शन हो सकेंगे, क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष ही नहीं है, मात्र वे ही सर्वत्र अखंड आनंद लीला विलास कर रहे हैं। ए प्रीछो तो पार ब्रह्म चित आवे, समझे सुपन परु थाए, अखंड तना सुख एणी पेरे लीजे लाहो माया मा लेवाए। इस मर्म को समझ लेने पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम के दर्शन होंगे और उनके दर्शन से स्वप्न रूपी संसार की अज्ञानता दूर होगी। संसार की माया में आबद्ध रहने पर भी इस प्रकार अखंड सुख का आनंद लिया जा सकता है। सतवस्त घणु स्याने प्रकाश सु अर्थी विना नव कहिए, एहना नेह चल नेहड़ा गोप भला आ उल्टी मा प्रगटन थाइए। सत्य वस्तु को अधिक कैसे प्रकट करूं, योग्य पात्र के बिना सत्य को कहना भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का अखंड प्रेम तो गुप्त रखना ही अच्छा है, विपरीत आचरण करने वालों के समक्ष इसे प्रकट भी नहीं करना चाहिए। अरथी होए ते आवी ने पूछे मोटी मत तेहने दाखूं, ए निध देवा जोग नहीं तेथी अंतर राखूं। जो जिज्ञासु होंगे वे अवश्य आकर पूछ लेंगे, उनको ही यह प्रेम का विशेष सिद्धांत समझाएंगे। यह अखंड निधि हर किसी को देने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं इसे अंतर में ही रखता हूँ। गुण मुख बोली भलु न मनावू अवगुण न राखू छानो, सतवस्त देवाने सत भाखू एमा दुख मानो ते मानो। किसी के गुणों की प्रशंसा करके मुझे न तो बड़प्पन पाना है और न ही किसी के अवगुणों को छिपाना है। सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए मैं सत्य ही कहता हूँ, इसमें यदि किसी को दुख लगे तो लगने दो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 64 की 13 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।